अब हम स्टील टाउन से आए हैं, हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, इनका शोहर शराब पीता है, रात को देर से आता है और मारपीट करता है, घर का खर्चा भी नहीं देता, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान में ये रहते हैं, अब बताएं ये किस तरीके से गुजर बसर करेंगे। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि फौरी तौर पर कार्रवाई करके अब इनके शोहर अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार करवाया जाए। हमने FIR तो दर्ज करा दी है मगर वो बार रसूख आदमी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो हम हकामे बाला से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर कार्रवाई करके हमें इंसाफ दिलवाया जाए। शुक्रिया। मेरा नाम सादिया जान है और मैं स्टील टाउन की रिहायशी हूँ। मेरा मसला, मेरा शोहर रोज़ाना शराब पीकर आता है, मुझे मारपीट करता है, मुझे खर्चा नहीं देता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ पे जाऊँ? तो आपको पहले पता नहीं था कि शराब पीते हैं? नहीं, हमें पहले कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में कि हमें कुछ क्या मुतालबा आपका? मेरा मुतालबा है कि उसको गिरफ्तार, हमें इंसाफ दिया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। मेरे साथ जो जुल्म जाती उसने 8 साल से वो कर रहा है, उस मुझे उससे इंसाफ मिले। ये बच्चे कितने, ये बच्चों को बनेगा क्या? जी, इन बच्चों को बनेगा क्या? ये कहाँ जाएंगे? मासूम बच्चे हैं, कौन इनको संभालेगा? कितने बच्चे आपके माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। कोई मैं मुझे कोई इंतजाम नहीं है, मेरा वो रिटायर है, कोई हमारे पास नहीं है कि हम इनको पाल सकें। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इनको कहाँ लेकर जाऊँ? और आजाद हूँ, क्या करूँ? घरों के काम करूँगी, क्या करूँगी? मेरे पास इतनी तालीम भी नहीं है कि मैं कोई जॉब कर सकूँ, आप ही बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा मुतालबा है मुझे इंसाफ मिले, इन बच्चों की मैं परवरिश कर सकूँ, मुझे कोई मिले। मेरा चीफ जस्टिस से मुतालबा है और वज़ीर IG सिंध से मुतालबा है कि मुझे हकामे बाला से मेरा मुतालबा है कि मुझे इंसाफ मिले और